चलो आज हम करेंगे सबनेटिंग फॉर क्लास बी एंड क्लास ए। कल हमने देखा था सबनेटिंग, क्लास सी की सबनेटिंग देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट पे कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सबनेट पे कैसे करते हैं और नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट पर कैसे करते हैं। अगर क्लास बी की आईपी आपको दे दूं तो क्लास बी की आईपी का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लास बी की आईपी का स्ट्रक्चर होता है दो नेटवर्क, दो होस्ट और दो होस्ट। यहाँ पर जब आपको क्लास बी पर सबनेटिंग करनी है ना, दो होस्ट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा नेटवर्क बिट को, ठीक है। अगर आपके पास आईपी ले ली जाए, मान लीजिए 172.16.0.0 को मैं स्लैश मान लीजिए 18 बिट पर करना चाहती हूँ। क्लास बी का स्टैंडर्ड सबनेट मास्क क्या है या क्लास बी का स्टैंडर्ड नेटवर्क बिट क्या है? स्लैश 16 है, ठीक है। अगर स्लैश 16 है तो इंक्रीज बिट कितना हुआ? 18 माइनस 16, 2 बिट। लेकिन ये 2 बिट कहां से बढ़ेगा, क्योंकि 2 ऑक्टेट है, ठीक है। जब भी आप बात करोगे नेटवर्क बिट बढ़ाने की तो हमेशा इस साइड से करते हैं स्टार्टिंग। तो नेटवर्क के बाद 2 होस्ट ऑक्टेट हैं, यहां पर आप 2 बिट इसके ऑन करेंगे। इसके 2 बिट ऑन करना है तो पहला हो गया 128, दूसरा हो गया 64। टोटल लॉस कितना हुआ? 192 का। और ब्लॉक आईडी कितने की बनी? कल हमने किया था कि टोटल 0 टू 255 रेंज होती है, तो हमारे पास 2 टू 256 रेंज है। तो 256 में से 192 माइनस किया, क्या बना? 64 बना। अब ये 64 कहाँ ऐड होगा? थर्ड ऑक्टेट में, क्योंकि हमने थर्ड ऑक्टेट के 2 बिट को कन्वर्ट किया है। तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा, आपका पहली नेटवर्क आईपी हो जाएगी 172.16.0.0, फिर इसमें 64 ऐड किया, दूसरी हो जाएगी 172.16.64.0, फिर हो जाएगी 172.16.128.0, तीसरी हो जाएगी 172.16.192.0। 192 में फिर से 64 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 256, जो कि हमें पता है कि आगे नहीं जाएगा। ये आ गया, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं अरेंज करूं लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी को, ये रब करते हूं, लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी कहूं तो ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी इसकी? ये तो नेटवर्क आईपी हुई चारों, इसकी लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी बताइए। यहां पर 256 आया, लेकिन इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी इन सबकी क्या होगी? ब्रॉडकास्ट आईपी। ये है आपकी नेटवर्क आईपी, चारों सबनेट की नेटवर्क आईपी आपको मिल गई। ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा 172.16. क्या होगा? 192 ही होगा, लास्ट यहाँ पे 256 आ रहा है, तो इसका होगा 255। और लास्ट ऑक्टेट भी कहाँ तक जाएगा? 255, क्योंकि हमारे होस्ट की लास्ट वैल्यू होती है 255 और इसकी भी लास्ट वैल्यू होती है 255। लेकिन यहाँ पर अगर स्टार्टिंग वैल्यू 192.0 है तो इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 172.16.191.255। ये बात समझ में आई? नहीं आई। देखिए मैं कह रही हूँ 172.16.0.0 आईपी आपकी है। पहली आईपी क्या बनेगी? 172.16.0.1, फिर 2, 3, 4 कब तक? 255 तक। जब ये 255 हो जाएगा 0.255, तो अगला नंबर आप क्या लिखोगे? 1.0। इसके 256 का मतलब होता है कैरी कर देना, आगे आप 1 कैरी कर देते हो और ये खुद को 0 कर लेता है। तो 1.0 हो गया, फिर से हो गया 1.1, 2, 3, 4 अप टू 255, फिर ये कैरी कर देगा 2.0 अप टू 255, फिर 3.0, फिर 255, फिर 4.0, 255।
इसी तरह 191.255 के आगे होगा 192.0। तो 192.0 से पहले की आईपी क्या हुई, 191.255। क्लियर है बिल्कुल, ठीक। अगर ये 128.0 है तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, 172.16.127.255। कोई डाउट, गुड। ये 64.0 है तो इसकी लास्ट आईपी हुई 172.16.63.255। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी, ये हमारी स्टार्ट आईपी है, ये हमारी लास्ट आईपी है, तो इनके बीच के वैलिड होस्ट कैसे निकलेंगे? इसकी हुई 172.16.0.1 से शुरू होगा पहली आईपी, और लास्ट आईपी 63.255 है, इसका मतलब आपकी होगी आईपी 172.16.63.254 तक, ठीक है। वैलिड होस्ट कैसे निकल आएगा? लास्ट आता है आपका सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या लिखेंगे? अगर हम क्लास बी का स्ट्रक्चर देखें तो क्लास बी का स्ट्रक्चर था दो नेटवर्क और दो होस्ट का, है ना। हमने इस होस्ट में दो आईपी का लॉस कराया है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे 255.255. इसका लॉस कितना है, 192.0। ये सबनेट मास्क आपके इन चारों सबनेट्स के साथ जाएगा। क्लियर हुआ, गुड। अब एक ऐसा करते हैं जिसको हमको फोर्थ ऑक्टेट तक ऑन करना पड़े, ये रब करते हैं। एक आईपी फिर से यही लेते हैं, 172.16.0.0 को 25 बिट पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 25 बिट आ रहा है, स्टैंडर्ड कितना है 16, माइनस करिए तो कितना आया, 9 आया, यानी इंक्रीज बिट हमारा कितना है, 9 है। हमारे क्लास बी का स्ट्रक्चर है दो नेटवर्क और दो होस्ट का, ठीक है। 9 बिट ऑन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट यह हुआ और 1 बिट आ गया कहाँ, फोर्थ ऑक्टेट में। जैसे ही आप फोर्थ ऑक्टेट में पहुंचते हो, थर्ड ऑक्टेट को आप मान लेते हो कि फुल जो है वो नेटवर्क भी डाउन हो गया, तो इसको हम भूल के हम फोर्थ ऑक्टेट में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एक बिट आपने ऑन किया है, एक बिट की वैल्यू क्या होगी, 128, यानी लॉस आपका हुआ 128। तो ब्लॉक कितने का बना, 256 माइनस 128, यानी 128 का ही ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक 128 का आ गया। अब नेटवर्क आईपी फिर से लिखते हैं, पहली आईपी आपकी 172.16.0.0, कैलकुलेशन फोर्थ ऑक्टेट में हुई है तो हम ऐड भी फोर्थ ऑक्टेट में ही करेंगे। तो यहाँ फोर्थ ऑक्टेट में हमने 128 लिया, नेक्स्ट आईपी आपकी बनेगी 172.16.0.128, 128 में 128 ऐड करिए कितना आया, 256। अभी मैंने कहा जब यहाँ पर 256 होता है तो आगे वाले को कैरी दे कर देता है और खुद जीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा 172.16.1.0। फिर इसमें 128 ऐड किया तो 172.16.1.128, फिर 2.0, फिर 2.128, कब तक जाएगा ये, जब तक ये 255.0 और 255.128 नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ 128 में 128 ऐड करेंगे 256 हो जाएगा, और 256 को आगे कैरी करेंगे तो ये भी कहेगा मैं कैरी नहीं ले सकता, लास्ट वैल्यू 255। तो हमारा लास्ट ऑक्टेट बनेगा 172.16.255.128। क्लियर है। अब इसकी हम ब्रॉडकास्ट आईपी देख लेते हैं। ब्रॉडकास्ट आईपी अगर ये 0.128 है तो इसकी आईपी हो गई 172.16.0.0
0.127 क्योंकि 0.128 यहाँ पर है। अब यहाँ पे 1.0 है तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या हुई 172.16.0.255 क्योंकि 0.255 के बाद ही 1.0 आएगा। ठीक है, ये 1.128 है तो इसकी लास्ट वैल्यू हो गई 1.127, इसकी वैल्यू हो गई 1.255। इस तरह से हम ब्रॉडकास्ट आईपी भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम सबनेट मास्क की बात करते हैं। सबनेट मास्क हमें पता है कि हमने ये 8 बिट ऑन कर दिए थे। ठीक है, तो इसका सबनेट मास्क हो गया 255.255. ये पूरा ऑन है तो इसकी वैल्यू भी हो गई 255 और इसमें सिर्फ 1 बिट ऑन है इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 120। इसके लिए ये इसका सबनेट मास्क है। समझ में आया? तो हम क्लास बी और क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए ऐसे करेंगे, क्लास ए अभी बता रहे। क्लियर। तो हमारी क्लास बी की सबनेटिंग हो गई जब हम थर्ड ऑक्टेट में ऑन कर रहे थे, और किस कंडीशन में हम फोर्थ ऑक्टेट में ऐड करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम क्लास ए की बात करते हैं। क्लास ए की एक वैल्यू लेते हैं 10.0.0.0, इसको 9 बिट पर ऑन करते हैं। 9 बिट का मतलब क्या है? क्लास ए का स्टैंडर्ड क्या होता है? स्लैश 8 होता है, तो इसमें से 8 माइनस करेंगे यानी आपको सिर्फ 1 बिट ऑन करना है। 1 बिट ऑन करना है तो आपका स्ट्रक्चर हुआ एक नेटवर्क 3 होस्ट का। आप इस ऑक्टेट में 1 बिट ऑन किए, इसकी वैल्यू क्या हुई 128। ब्लॉक वैल्यू भी क्या हुई 128। तो कुछ नहीं, जैसे आपने क्लास बी में किया था 10.0.0.0, दूसरी बन जाएगी 10.128.0.0। इसके बाद बनेगा कुछ? हाँ या ना? नहीं बनेगा, क्योंकि 128 में 128 ऐड करते हैं ये 256 हो जाएगा और आगे वाला हमारा नेटवर्क ऑक्टेट है, यानी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 9 की जगह मान लीजिए हमने कर दिया 17 बिट का मतलब कितने बिट हमें ऑन करने हैं? 9 बिट। अब 9 बिट का देख लेते हैं, 9 बिट पर क्या होगा? 8 बिट यहाँ ऑन होगा, 1 बिट हमारा थर्ड ऑक्टेट में ऑन होगा। थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 128, आपका लॉस है, और ब्लॉक आपका बन गया फिर से 128। अब आप थर्ड ऑक्टेट में ऐड करोगे 10.0.0.0, थर्ड ऑक्टेट में 128 ऐड किए, दूसरी बनी 10.0.128.0, तीसरा बनेगा 10.1.0.0, तीसरा बनेगा 10.1.128.0, तीसरा बनेगा 10.2.0.0, फिर बनेगा 10.2.128.0। ऐसे बनता जाएगा कब तक? जब तक ये 255 नहीं हो जाता। पीछे वाले से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमने उसका कोई बिट ऑन नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका देखिए, इसका लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? इसकी आईपी है 10.0.128.0, तो इसकी लास्ट आईपी बन जाएगी 10.0.127.255। यहां पर ब्रॉडकास्ट आईपी निकालते समय आपका यूज होगा। इसकी अगर 10.0.128.0 है और इसकी 10.1.0.0 है तो इसकी लास्ट आईपी क्या होगी? 10.0.255.255। इसकी क्या हो जाएगी? 10.1.127.255। समझ में आ रहे हैं? अब इसका मैं सबनेट मास्क लिख दूं, ये 8 बिट आपके पूरे ऑन हो गए, इसका 1 बिट ऑन है तो इसकी 255 वैल्यू, इसकी 255 वैल्यू, इसकी 128 वैल्यू और इसकी 0। ये आपका सबनेट मास्क हुआ, यानी जब थर्ड ऑक्टेट में होगा तो
ऐसे हो। अब यहाँ फोर्थ एग पेट भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो को 25 बिट पर ऑन करना है, ठीक है। 25 बिट का मतलब क्या है, 8 माइनस करिए कितना आएगा, 17 बिट आएगा। 8 बिट यहां ऑन किया, फिर 8 बिट हमने थर्ड ऑक्टेट में ऑन कर दिया, एक बिट हमारा फोर्थ ऑक्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे फिर से भाई लॉस 128 और ब्लॉक में सब जगह एक बिट इसलिए ऑन कर रही हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लॉस 128 और ब्लॉक 128 का हुआ लेकिन फोर्थ ऑक्टेट में हुआ, तो पहली वैल्यू क्या होगी 10.0.0.0, दूसरी वैल्यू होगी 10.0.0, हम इसमें 128 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 128, फिर हो जाएगा 10.0.1.0, फिर 10.0.1.128, ऐसे कब तक जाएगा, जब तक ये 255 नहीं हो जाता है, यानी 10.0.255.0, फिर 10.0.255.128 हो गया। अब 128 यहां पर देखिए ध्यान से, 128 में 128 ऐड किए कितना हुआ 256, वो 256 आपने कैरी करा दिया अगले वाले को, 255 में 1 ऐड किया फिर से क्या हो गया 256, उसमें भी अपने आगे कैरी करा दिया 1 और खुद दोनों 0 हो गए, तो ये हो जाएगा 10.1.0.0 और फिर से रिपीट होगा, यानी फिर से यहाँ 128 आएगा 10.1.0.128, फिर ये 1.0.1.1, इस तरह से चलता जाएगा। कितने सबनेट्स बनेंगे, कल आपको फॉर्मूला बताया था 2^17 सबनेट्स बनेंगे, इतने ब्रांचेज आपके इस नेटवर्क आईपी को यूज कर सकती हैं। सबनेट मास्क क्या होगा, एक तो आपका नेटवर्क ऑक्टेट है ये 255, इसका 255, इसका 255 और इसका 128, तो हो जाएगा 255.255.255.128, ये आपका सबनेट मास्क होगा क्लास ए का जब आप फोर्थ ऑक्टेट में ऑन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ भाई, चार्ट आपको जो कल हमने बनाया था एक बार दोबारा देखते हैं, क्योंकि आपको एक लॉन्ग प्रोसेस बता दिया स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं या एग्जाम में बैठते हैं उस समय सबनेटिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स लिखिए, यानी जो आप इंक्रीज बिट निकालते हो, सबसे पहले इंक्रीज बिट कैलकुलेट करते हो, तो इंक्रीज बिट आपका कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इंक्रीज बिट है आपका। अब सबके लिए सबनेट मास्क आपका क्या आएगा, सबनेट मास्क पहले बिट के लिए 128, दूसरे बिट के लिए 192, तीसरे बिट के लिए 224, चौथे बिट के लिए 240, फिर 248, फिर 252, फिर 254 एंड देन 255। ये मैंने इस तरह से निकाला कि पहला बिट हमारा, यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। सबनेट मास्क लॉस कैसे निकालते हो, एक बिट के लिए तो यही हो गया, दो बिट के लिए दो का सम करते हो, यानी 128 प्लस 64 192 हो गया, तीन बिट के लिए इन तीनों का सम करते हो, यानी ये हो गया 224, चार बिट के लिए हम चार का सम करते हैं तो आ गया 224 में 16 ऐड कर दो, 240 में 8 का ऐड कर दो, 248 में 4 ऐड कर दो, 252
252 में 2 ऐड कर दो 254 और 254 में 1 ऐड कर दो 255। ये कैलकुलेटेड चार्ट है, अगर ये चार्ट आपको लर्न है तो 10 सेकेंड्स के अंदर सबनेटिंग कैलकुलेट की जा सकती है। तो सबनेट मास्क आपका आ गया। अब सबनेट मास्क के बाद नेक्स्ट आपको क्या चाहिए होता है, कितने कितने के ब्लॉक्स बढ़ाने हैं। कभी ध्यान से सोचा कि अभी तक आपने जितनी भी सबनेटिंग की उसमें जितने बिट आप ऑन कर रहे हो, 3 बिट ऑन करना है, तो 256 में से 192 माइनस करिए, अगला वैल्यू ही निकलेगा। यानी जितने बिट आप ऑन कर रहे हो, जो आपका लास्ट बिट है वही आपकी ब्लॉक आईडी है। एक बिट ऑन किया तो 128, दो बिट ऑन किया तो 64, तीन बिट ऑन किया तो 32। यानी ब्लॉक कैसे निकलता है, लास्ट बिट वही 128 होगा, यहाँ 64 होगा, यहाँ 32 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1। दैट इज योर ब्लॉक आईडी। यही सम करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब आपको नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन या एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, कितने नंबर ऑफ होस्ट एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ होस्ट, आपको पता है कि हर ब्लॉक में एक नेटवर्क आईपी होती है, दूसरी ब्रॉडकास्ट आईपी, दो का लॉस होता है, ब्लॉक में से 2 माइनस करते जाइए। 128 है तो पहले में अगर आप 128 का ब्लॉक बना रहे हैं तो उसमें होस्ट कितने होंगे, 126। 64 में कितने के होंगे, 62। 32 में 30, 14, 6, 2, 0, 2 माइनस 2, 0, इसीलिए इसके आगे की सबनेटिंग नहीं होती, क्योंकि दोनों नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी चले गए तो होस्ट के लिए नहीं बचता है। इसीलिए अगर पीयर टू पीयर कनेक्शन, आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में आप कितने की सबनेटिंग करेंगे, कितने बिट ऑन कर सकते हैं लास्ट, 36 का मतलब क्या हो गया, लास्ट बिट का 30, दो बिट खाली छोड़े ना, टोटल आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, दो बिट हमने छोड़ दिए, तो पीयर टू पीयर में /30 पर हम सबनेटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चार्ट है जिसके बिहाफ पर आप डायरेक्ट सबनेटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे क्लास ए हो, चाहे क्लास बी हो, चाहे क्लास सी हो, तीनों की सबनेटिंग के लिए ये है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी सबनेटिंग है 192.168.1.0 को /29 बिट पर सबनेटिंग करनी है। सबसे ज्यादा 29 पे क्वेश्चन आए थे कल इंटरव्यू के, तो हम 29 बिट देखते हैं। तो 29 बिट का मतलब क्या हो गया, 24 माइनस करिए, कितने बिट ऑन करने हैं, 5 बिट ऑन करने हैं, 5 बिट देखिए, 5 बिट का कॉलम ये, यानी सबनेट मास्क आपको क्या रखना है, 255.255, क्योंकि 192 क्लास सी का स्ट्रक्चर यूज करता है, तो 3 नेटवर्क ऑक्टेट हो गए और होस्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू आ रही है वो हम रख देंगे, ठीक है। ब्लॉक कितने का लेके बढ़ना है, 8 का, यानी पहली आईपी हो गई 192.168.1.0, दूसरी हो गई 192.168.1.8, फिर इसी तरह 16 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे सब में, 6। कैलकुलेट हो गया इस चार्ट से, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो हम इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको सारे चार्ट के हिसाब से क्लास ए बी सी सारे कैलकुलेट कर सकते हैं।